ये दुनिया जिसमें आप मेरी ये वीडियो अपने फ़ोन या लैपटॉप से देख रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? साइंटिस्ट्स को पता चला है कि ये दुनिया हर सेकंड फैलती जा रही है। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई ये जानने के लिए हमें समय को रोककर समय के पीछे जाना होगा, कुछ ज़्यादा ही पीछे जाना होगा, आज से करीब 13.8 अरब साल पहले। ये है हमारी ब्रह्मांड, जो एक एटम से भी छोटे गोले के अंदर समाया है। यहाँ पर समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। किसी रहस्यमय कारण से ये गोला अचानक से विस्फोट हो गया और इसे ही कहते हैं बिग बैंग। ये एक सेकेंड से भी कम में अपने अस्तित्व में आ गया और जो इससे निकल रही है ये है प्योर एनर्जी यानी ऊर्जा। और इसी समय स्पेस और समय अपने अस्तित्व में आए और ये एनर्जी सभी जगह फैल रही है और ये करोड़ों साल तक फैलती रही। ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ, अरबों सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिससे हम एटम कहते हैं उनका जन्म हुआ। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। इसमें दो प्रकार की चीज़ें बनी थी, आधी थी मैटर और आधी एंटी मैटर, और जब वो आपस में मिलते हैं तब दोनों अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। सब ख़त्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था और कोई उसे ख़त्म नहीं कर सकता था। फिर उसका विस्फोट हो गया और इसी गोले से पूरी दुनिया बनने वाली थी। उस गोले के विस्फोट होने के बाद सब कुछ ठंडा होने लगा और सब बनना शुरू हुआ। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम कर रही थी, वो सारे एटम्स को जोड़ने लगी और वो फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। इस ब्रह्मांड के शुरुआत में बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करते थे। ग्रेविटी उसे आपस में कॉम्प्रेस करने लगी। जिस जगह वो कॉम्प्रेस होता उस जगह की टेम्परेचर लाखों डिग्रीज तक पहुंच जाता था। जब एक जगह की टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्रीज तक पहुंच गई तब न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रक्रिया शुरू हो गई। उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली, तब इस ब्रह्मांड का पहला तारा बना। लाखों साल बाद करोड़ों तारे बने, ये वही है जो आप रात में अपने आसमान में देखते हैं। ये ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे हमारे सामने आने लगे, ये आपस में अलग अलग ग्रुप में रहने लगे। इसमें अरबों तारे मौजूद हैं और इन्हें ही गैलेक्सी कहते हैं। ऐसे करते करते एक गैलेक्सी बनी जिसका नाम था द मिल्की वे, और ये वही गैलेक्सी है जिसके अंदर आप और मैं मौजूद हैं। इसमें खरबों तारे मौजूद हैं। एस्ट्रॉइड ग्रेविटी के चलते आपस में मिलकर प्लैनेट बनने लगे। प्लैनेट तो बन गए पर जो हाइड्रोजन के एटम्स बच गए थे उसी हाइड्रोजन से नया तारा बना। और यही है हमारी सूरज यानी सन। फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न चालू हुआ और फिर एनर्जी बननी शुरू हुई। जब ये बना तब ये तेज सोलर विंड इरप्ट किया जिससे सारे डस्ट पार्टिकल सोलर सिस्टम के बाहर चले गए और 8 प्लैनेट और कुछ ड्रैफ्ट प्लैनेट बच गए। इसमें अंदर की तरफ रॉकी प्लैनेट्स बन गए थे, मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, हमारी प्यारी अर्थ यानी पृथ्वी और मार्स यानी मंगल। इसमें बहुत से गैस प्लैनेट भी बन गए थे जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण, नेपच्यून यानी वरुण। और आप इसी पृथ्वी के अंदर बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके जन्म से पहले इतना कुछ हो गया है, पहले बिग बैंग, फिर वो मैटर का विस्फोट, फिर तारा का बनना, फिर प्लैनेट्स, इन ग्रह में से हमारी प्यारी पृथ्वी की जन्म। यही ब्रह्मांड की जन्म की कहानी।
इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस बेल को भी क्लिक, और हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा।